दोस्तों अब लगता है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड और एक्सिस के नियो क्रेडिट कार्ड के बाद अब मुझे ये कार्ड भी लेना ही पड़ेगा। क्यों? आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस कार्ड में कुछ ऐसे फायदे हैं जिसके लिए आप भी इस कार्ड को लेना चाहेंगे। जय दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की। ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जिसे एयरटेल और एक्सिस बैंक मिलकर लॉन्च कर रहे हैं। इस कार्ड में कुछ एक ऐसे बेनिफिट्स है जिसे जान के आप भी इस कार्ड को अप्लाई करना चाहेंगे और मैंने भी मन बना लिया है अब एक्सिस बैंक के इन तीनों ही क्रेडिट कार्ड के बाद ये कार्ड मुझे लेना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस कार्ड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चार्जेस है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। उससे पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी ऐसी वीडियोज आप तक तुरंत पहुंच सके। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर लूट की अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप भी एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी बहुत अच्छा मौका है। एक्सिस बैंक के तीन क्रेडिट कार्ड, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड और एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड, ये तीन क्रेडिट कार्ड फिलहाल लाइफ टाइम फ्री मिल रहे हैं। तो इन कार्ड्स को अप्लाई करने की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इन तीनों में से कोई भी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, कुछ ही दिनों में एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड मार्केट में आ जाएगा। दोस्तों, अगर एयरटेल एक्सिस बैंक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट्स की बात करें तो कार्ड मिलने के 30 डेज के भीतर में अगर आप इस कार्ड से पहला ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो आपको ₹500 का अमेजोन पे का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। दोस्तों, ये कार्ड एक कैशबैक कार्ड है, तो चलिए अब आपको बताते हैं इस कार्ड में आपको किस तरह के कैशबैक बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि कार्ड के नाम से ही आप जान सकते हैं, ये कार्ड एयरटेल और एक्सिस बैंक ने मिलकर बनाया है। तो अगर आप इस कार्ड को एयरटेल के थैंक्स ऐप पे यूज करेंगे तो आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। उन्हीं बेनिफिट्स में से सबसे पहला बेनिफिट्स है, जब भी आप इस कार्ड को यूज करके एयरटेल मोबाइल, ब्रॉडबैंड, वाईफाई या डीटीएच का पेमेंट करेंगे एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से, तो आपको फ्लैट 25% का कैशबैक मिलेगा। बाप रे बाप, ये तो बहुत ही ज्यादा है, ये तो किसी भी कार्ड से सबसे ज्यादा है। दोस्तों, अब आप अमेजोन ICICI कार्ड को ले लीजिए। अमेजोन पे अगर आप उस कार्ड से शॉपिंग करते हैं और अगर आप प्राइम मेंबर है तब आप केवल 5% का कैशबैक उस कार्ड से उठा सकते हैं। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड की बात करें तो फ्लिपकार्ट पे अगर आप उस कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो मात्र 5% का कैशबैक आपको उस कार्ड पे मिलता है। लेकिन यहां देखिए, 25% का कैशबैक मिलेगा अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप से एयरटेल के मोबाइल, D2H, ब्रॉडबैंड, वाईफाई इन सब का पेमेंट करेंगे तब, जो कि काफी अच्छा बेनिफिट है। साथ ही इस कार्ड से अगर आप किसी भी दूसरे यूटिलिटी बिल का पेमेंट करेंगे जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस, तो उस केस में आपको 10% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन ये कैशबैक आपको तभी मिलेगा जब आप एयरटेल के थैंक्स ऐप से इन सारे पेमेंट्स को करेंगे। स्विगी या जोमेटो पे इस कार्ड को यूज करेंगे तो उस केस में आपको 10% का कैशबैक मिलेगा। और बाकी किसी भी तरह की ऑनलाइन या ऑफलाइन स्पेंड्स पे, जिसे आप अदर स्पेंड्स कह सकते हैं, इस पे फ्लैट 1% का कैशबैक मिलेगा। और ये कैशबैक किसी तरह से आपके एयरटेल थैंक्स ऐप में नहीं मिलेगा, ये कैशबैक सीधे आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगा और आपके पेंडिंग बिल में एडजस्ट हो जाएगा। दोस्तों, एयरटेल एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आपको हर कैलेंडर ईयर यानी हर साल 4 बार डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा। दोस्तों, इस कार्ड पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, जिसके लिए आपका मिनिमम ट्रांजेक्शन 400 का होना चाहिए और मैक्सिमम 5,000 का हो सकता है। और एक महीने में आप मैक्सिमम ₹500 तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर इस कार्ड से उठा सकते हैं। 1% का जो अदर स्पेंड्स पे कैशबैक मिलता है, वो कैशबैक आपको किसी भी तरह के फ्यूल ट्रांजेक्शन पे नहीं मिलेगा। दोस्तों, एक्सिस बैंक ने ऑल ओवर इंडिया कई सारे रेस्टोरेंट्स के साथ पार्टनर्स किया हुआ है, तो अगर आप इस कार्ड से उन सभी रेस्टोरेंट में डाइनिंग करते हैं तो आपको वहां पे फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ₹2,500 से ऊपर की किसी भी परचेज को, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आप बड़ी आसानी से EMI में कन्वर्ट करा पाएंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस कार्ड की एलिजिबिलिटी की। तो इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 इयर्स और मैक्सिमम एज 70 इयर्स हो सकती है और आप ऑब्वियसली एक इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इस कार्ड की फीस की। तो दोस्तों, एयरटेल का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ₹500 की ज्वाइनिंग फीस के साथ आता है। इसके ऊपर आपको GST भी लगेगी, तो करीब करीब ₹590 आपको टोटल ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ेगी। दोस्तों, इस कार्ड की एनुअल फीस भी है ₹500 + GST यानी ₹590,
लेकिन अगर आप साल में 2 लाख रुपए इस कार्ड से स्पेंड कर देंगे तो आपकी एनुअल फीस वेव ऑफ कर दी जाएगी। अगर आप एड ऑन कार्ड अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई फीस नहीं रखी गई है। तो दोस्तों, अगर आप एक एयरटेल यूजर है, यानी कि अगर आप एयरटेल का मोबाइल कनेक्शन यूज करते हैं, एयरटेल का वाईफाई आपने लगा रखा है, एयरटेल के डीटीएच को आप यूज करते हैं, तो आपको ये कार्ड जरूर लेना चाहिए, क्योंकि 25% का कैशबैक आपको इस कार्ड पे मिल रहा है और साथ ही 10% का कैशबैक आपको इलेक्ट्रिसिटी और गैस पेमेंट पे मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट है। वैसे क्या आप इस कार्ड को अप्लाई करना चाहेंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, अगर आपको अब तक कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा तो आप पोस्टपे के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये लाइफ टाइम फ्री कार्ड है और बड़ी आसानी से आपको मिल भी जाएगा। इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई वेरिफिकेशन नहीं करना होगा, कोई इनकम डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं देने होंगे। जस्ट आपके सिविल स्कोर के बेस पे आपको ये कार्ड ऑनलाइन मिल जाता है। इसके साथ आपको फिजिकल कार्ड भी मिल जाएगा और इस कार्ड पे आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। उस वीडियो को आप देख लीजिए और आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।